शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ड्यूटी ऑफिसर टू पुलिस लाइन। यस। खबर मिली है कि एक आंख वाला अपने गुंडों के साथ लारी नंबर 9318 में रबर स्टे तक पहुंच चुका है, उन्हें फौरन गिरफ्तार करो। शिवराज, गाड़ी और तेज चलाओ, रोड को ब्लॉक करो, जल्दी करो। सबसे मारना मुश्किल है, कमान है। और जो जी माचिस, इंस्पेक्टर राजशेखर बुरी तरह घायल हो गए और दो कांस्टेबल मारे गए। उस गुंडे का हमला भी अजीब है, वो पुलिस पर बम फेंककर फरार हो गया। ये तो अपने डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी चुनौती है, अंडरस्टैंड? सिट डाउन, सिट डाउन। उन लोगों का लीडर सिर्फ एक आंख वाला मालूम होता है, बहुत ही अकलमंद और बहरूपिया है। एनी अदर पर्टिकुलर्स? उनके साथ एक औरत भी है, बुरखे में रहने वाली ये औरत शुरू से ही उनकी मदद करती है, इसका आज ही पता चला। माँ, ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। हाँ बेटे, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। हेड सर, हेड सर। नहीं तो खून कर दूंगा। खबरदार, चिल्लाना मत, गेट उतारो। सब अपनी जगह पे बैठे रहो। गाड़ी के किसी ने चैन खींचने की कोशिश की तो मैं उसे चाकू से बॉडी बॉडी कर दूंगा, समझे? बचाओ, उतारो जल्दी, जल्दी। मंगलसूत्र निकाल। अरे पापी, तेरी माँ बहन नहीं है, शादी का मंगलसूत्र छिन रहा है। शादी के लिए इसकी हमें जरूरत है, चल हट, बढ़िया से निकाल निकाल। भैया,
धन्यवाद भैया। गहने लूट गए होते। ठीक है बैठो बहन। वो लोग गहनों को छोड़कर भाग गए। अफसोस है। अफसोस क्यों है? क्योंकि हाथों में पैरों में सारे बदन पर गहने पहनना तो चोरों को चोरी की दावत देकर पास बुलाना है। बाहर के दुश्मनों से लड़ने का काम हम लोगों का है, लेकिन अंदर के दुश्मनों से कौन लड़ेगा, उनका अंत कैसे होगा? सुनो बहन, बदन की सुंदरता हीरे मोती नहीं, मन है, वही तन की शोभा है। ठीक है, मेरा कहना समझ गए ना? बैठो। लड़ाई खूब की। थैंक यू वेरी मच। लड़ना भिड़ना ही तुम जानते हैं। आ बेटा, रिवाल्वर तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, इसी से तो पानी पीता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? इकबाल। इकबाल, मेरा नाम जानते हो? जानता हूँ ना। क्या है? ए फॉर आर्मी, बी फॉर बैटल, एस फॉर सोल्जर। तुम्हारा गाँव कौन सा है? इस पे कब्जा है, वही हमारा गाँव है। देखो इकबाल, बड़े बोल कभी नहीं बोलते। माँ ने मुझे यही बोलने को कहा था। तुम्हारी माँ कहाँ है? कहाँ है सोल्जर? तुम्हारी माँ ने गाँव का नाम क्या बताया था? मेरी माँ ने गाँव का नाम गोरे गाँव बताया था। गंगा, मैं मिलिट्री में भर्ती हो गया। भैया, तुम क्या दूसरा काम नहीं कर सकते भैया? ओहो, रोती क्यों है? मिलिट्री में भर्ती होने वाले सब मर जाते हैं क्या? पगली, 7 साल का ही तो कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस पूरी होते ही जब वापस आऊंगा तो भागीरथ का बेटा मिलिट्री का सोल्जर है, सबको पता चल जाएगा। ठीक है? इंस्पेक्टर जी, रेल में चोरी होने की खबर क्या आप लोगों को पहले से ही मिल चुकी थी? चोरी की खबर? ये क्या कह रहे हैं? यहाँ ट्रेन में हम एक बुरखे वाली औरत को ढूंढ रहे थे। हाँ, तो चोर कब आए थे? थोड़ी देर पहले आए थे। ठीक वक्त पे ये नहीं आते तो हम लोग लुट जाते। इनसे इंक्वायरी मैं करूंगा, तुम उस औरत का पता लगाओ। सोल्जर, सोल्जर, मेरी माँ गायब हो गई। आओ मेरे साथ। यहाँ बुरका पहने हुए एक औरत बैठी थी, वो कहाँ गई? इसी जगह थी, पता नहीं कहाँ गई। टिकट प्लीज। सर, इस बच्चे की माँ पिछले स्टेशन पर उतरी थी, हो सकता है लौटने से पहले ही गाड़ी चल दी हो। अब इसका क्या करूं?
इसका बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। अगर इसकी माँ का पता नहीं चला तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। सोल्जर सोल्जर मुझे छोड़कर न जाओ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। एक काम करता हूँ, अपने एड्रेस आपको लिख कर देता हूँ। हाँ, इसमें लिख दूं? ओ यस, लिख दीजिए। अगर बच्चे की माँ यहाँ आए तो इस पते पर भेज दीजिए। भेज देंगे। ओके, अगर हो सके तो मेरा सामान निकलवा दीजिए, मुझे बहुत जल्दी जाना है। आप इधर बैठिए, ये काम पूरा करने के बाद आपका काम कर दो। ओके। हाँ, टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। क्या हुआ? तकदीर फूट गई। पास किया बीए, लेकिन काम मिला ग्वाले का। मेरी तो जवानी बर्बाद हो गई। देखो कौन आया है, जल्दी आओ ना। नीचे उतर। बेटे आगे, बेटे आओ मेरे लाल, मेरी मुराद पूरी हो गई। ये क्या बेटे, पांव धोए बिना तुमने दूध पीना शुरू कर दिया? तुम अब भी मुझे दूध पीता बच्चा समझती हो ना? सिपाही बन गया हूँ। सिपाही बन गया पर बचपना नहीं गया। मैं तेरे लिए तो बच्चा ही हूँ। ओहो, अभी मैंने नहाया, बिना नहाए छूना मत, समझे? अरे क्या कर रहा है, अरे ये क्या कर रहा है? हाथ उठा मां, हाथ उठा। ये कौन है, कैसे ऊपर उठा? हाँ ओके। मैं हाथ नहीं उठाऊंगी। सोचिए, शूट कर दे बेटे। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहा है? क्यों बेटे, मिलिट्री के जवान यही काम करते हैं, घर पर भी वे सब यूं ही शूट करते हैं। बच्चे को तुमने ही सिखाया होगा। ये बच्चा बहादुर का बेटा जरूर होगा, तुम तो शक्की हो शक्की। अरे माँ, मुंह से पता नहीं चलता, सिपाही का बेटा होगा, किसी डरपोक का बेटा नहीं, अपने देश का बहादुर सिपाही बनेगा। पर किसका बेटा है? एक बुरके वाली औरत ट्रेन में इसे छोड़कर कहीं उतर गई और ये लड़का मेरे साथ आ गया। आमा, व्हाइट वॉश नहीं करवाया? ए, बात मत टाल, अब बोल बच्चे की जाति क्या है? ये अभी तक तो पूछा नहीं, तुम ही पूछ लो। सुन मुन्ना, तुम्हारी जाति क्या है? क्या कहा? जाति नहीं जानता, जाति। ये क्या है रे? सिर्फ दो ही तो जातियां हैं, औरत की मर्द की, अपनी जाति इसने बता दी। बनकर उस बात बनकर। सुन, नाम क्या है तेरा? इकबाल। देखो मौसी का मुंह तो बंदर हो गया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। घर के बाहर जाकर घर की मान मर्यादा भी भूल गए। क्यों पिताजी, ये जूते निकाल कर तुम आते तो अच्छा था, आपका आशीर्वाद लेने की जल्दी में भूल गया। अभी आए। क्या छुट्टी पर आए हो? नहीं पिताजी, सर्विस पूरी हो चुकी, अब नहीं जाऊंगा। तब तो यही रहोगे ना बेटे? इसी गांव में मैंने जन्म लिया, ये कैसे भूल सकता हूं? ये गांव नहीं भूल सकते, और हो सके तो इस देश की खूबी भी ना भूलना। मैथिली, तुम्हारे लिए लहंगा चोली, मां तुम्हारे लिए साड़ी। पिताजी, आपके वास्ते कश्मीरी शाल लाया हूं। गंगा, गंगा, क्यों मां गंगा बाहर गई हुई है? गंगा वो कहां पर गई है? वो बेटे बोलते कैसे मर गई है वो? गंगा मर गई क्या? माँ पिताजी क्या बोल रहे हैं? तुम भूखे हो गए बेटे, पहले नहाकर भोजन कर लो, मैं सब बता दूंगी। गंगा को क्या हुआ ये पहले बताओ, बता दे। अपना मुंह काला करके वो भाग गई। मर गई या जिंदा है कौन जाने, अगर जिंदा है भी तो हमारे लिए मर चुकी है, सदा के लिए मर चुकी है वो हमारे लिए। ये लड़का घर वालों से बिछड़ गया, जब तक इसको ढूंढता हुआ कोई नहीं आता ये यहीं पर रहेगा, इसलिए रघु साथ ले आया।
अच्छा काम किया रघु ने, नहीं तो मेरा धर्म कौन भ्रष्ट करता। ये धर्मशाला नहीं, भगवान की पूजा होती है यहाँ, ये कभी भूलना नहीं। चल तू भोजन कर ले। आओ चले। अरे पास आओ ना। अब बताओ, इकबाल को तुम अपने साथ लेकर फौरन आने वाली थी ना, इतनी देर कैसे लग गई? देर कैसे नहीं लगती, हमारी खबर पुलिस वालों को लग गई, उनसे किसी तरह बच के छुप छुपा के इधर उधर भटकती हुई तुम्हारे पास पहुंच गई। इकबाल कहाँ है? ए, कहाँ है? पुलिस से किसी तरह बचना था मुझे, दूसरा चारा भी ना था, इसलिए इकबाल को छोड़कर भाग गई। आओ आओ नजदीक आओ। कंग्रेचुलेशंस गंगा, अकलमंदी की जीती जागती तस्वीर मेरी प्यारी गंगा है। जवाब नहीं तेरा गंगा। कैसी बात करते हो? जो बच्चे को बुलाकर अपना फर्ज पूरा करे, हमें ऐसी वफादार औरत की जरूरत है। तुम्हारी जैसी धर्मपत्नी को पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली यू आर ग्रेट। इकबाल को देखा ही नहीं था तुमने, उसे खोकर मैंने बड़ी भूल की। तुम बच्चे को ना देखकर मुझे मारोगे, लेकिन तुम बच्चे की खोने की खबर सुनकर खुश होगी, इसकी आशा न थी। ये कैसा भेस है? दादा की तरह ही मैं लगता हूँ ना मौसी, दादा ऐसे ही मुंह बनाते हैं ना। ऐसा खेल मुझे पसंद नहीं, तुम्हारा काम है ये। पर इस भेस में तो अच्छा लगता है ना माँ। एक दिन तो सब खिलवाड़ भूल जाओगे। मैथिली, इस बच्चे को यहाँ रखा ये जानकर वो गुस्से से हम पर इतने आग बगोला हो रहे थे, अब रसोई घर में इसको देख लेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ए चल जा यहाँ से, चल चल। चल जल्दी चल, तुझको वहाँ बैठना होगा, ठीक है? याद रखेगा ना, चल जाकर बैठ वहाँ। नियम से नहाकर हम लोग भोजन करते हैं, ये तो तुम भूले नहीं हो ना? भूले नहीं पिताजी। हाँ, ये नियो नहीं पहनते हो, मूछें बढ़ा रखी हैं पहलवानों जैसी, तुम्हें सपने में भी पुजारी का बेटा नहीं मानेंगे। अगर आदमी कोई कहे तो बहुत है। माँ इकबाल कहाँ है? इकबाल को बुलाओ। इकबाल, इकबाल, पहले तुम भोजन कर लो, उसको मैं बाद में खिला दूंगी। इकबाल कहाँ है माँ? इकबाल, इधर आ, खाना खा ले। तुम खाओ बेटे। ये क्या माँ, बच्चे भोजन कर ले तो बड़े लोग भोजन करते हैं, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। परोसो। कोई बात नहीं, हम साथ ही बैठ जाते हैं। बैठ रहे। पिताजी क्यों उठ गए? पिताजी नाराज हो गए। ये बच्चा है कौन, लाए क्यों? क्यों रे, तुम पिताजी के आचार विचार को नहीं जानते हो क्या? ये बात है पिताजी, अनजाने में मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दे। अब से कोई शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगा आपको, आप यही भोजन कीजिए, हम दोनों बाहर जाते हैं। चलो।
क्यों जी, उसकी गलती को एक बार क्षमा कर दीजिए। चलिए आप भोजन कर लीजिए। अरे भोजन बड़ा काम नहीं, बड़ा तो अपना धर्म है। माँ, मछली, गंगा, दीदी, माँ, दीदी, मछली, कैसी हो तुम? अच्छा, तू अब कैसी है रे? क्यों रे, तुम जिंदा हो या मर गई इसकी खबर न देकर हमको तड़पता हुआ छोड़कर चली गई? क्यों माँ अपने मन को दुखी कर रही हो? तुम धीरज रखो माँ। क्यों रे, धीरज भला मैं रखूं? अपनी इच्छा से ब्याह भी कर लिया, अब मंगलसूत्र के बिना मुंह दिखाने आई, तेरा पति कहाँ है रे? वो सब मैं फिर बताऊंगी। हाँ माँ, भैया तो घर पर ही होंगे, कहाँ है? यही कहीं होगा। भैया जब यहाँ पहुंचे तो उनके साथ ही छोटा बच्चा भी था। छोटा है वो, पता नहीं किसकी औलाद है। लेकिन वो है कहाँ? रघु के पास सो रहा है। शनि ने तो घर की सुख और शांति भी लूट ली, इसने नाक में दम कर रखा है। माँ ऐसा ना कहो माँ, तुम इस बच्चे को शनिचर मत कहो माँ। शनिचर नहीं तो क्या, तुम तो ऐसी बोलती हो जैसे तुम माँ हो इसकी। हाँ माँ, मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ। माँ ये क्या बोलती है? वो मेरा बेटा है माँ, अनजाने नहीं जानबूझकर उसे भैया के साथ ट्रेन में छोड़ दिया मैंने। सच कहो, कुछ छुपावा नहीं मुझसे? मैं और कुछ नहीं कह सकती, तुम्हारी बेटी का बेटा है, उसका अब तुमको पालन करना होगा माँ। इसका कैसे मैं पालन पोषण करूंगी? तुम्हारा बेटा है बोल सकूंगी? मेरी बेटी का बेटा है बोल सकूंगी? माँ इतने दिनों की बात घर आई है दीदी, उसका दिल क्यों दुखाती हो? मैं मर गई हूँ तुम्हारे लिए, मैथिली तू जीवित है, तुम उसको संभाल लो। सीता, पूजा के फूल लाओ। माँ मैं चलती हूँ, मेरे एक बाल को संभाल लो माँ। चलती हूँ। सीता ऐसे चोरों की तरह क्यों भागती है बोल? इससे मैं कुछ नहीं कह सकती, इतनी मजबूर हूँ कि मुझसे कुछ नहीं कह सकती। यहाँ से क्यों भागती है ये बोल? ट्रेन से जिस बच्चे को लाए थे वो इकबाल मेरी औलाद है, ये बताने यहाँ पर आई थी। गंगा, गंगा। भैया शोर मचाओगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पिताजी जाग जाएंगे भैया। जा जा शैतान। आपका हाथ सर जी है, तुम्हारी बंदूक से ही तुम्हें चकमा दे दिया, ये फूल हो गए। कल रात ही मैं तो फूल बन गया था रे। राजा राजा वो तुम उसे आ गई। माँ मैं खुशी की बात बताऊँ? क्या है? आज मैं इसे अनाथ आश्रम में भर्ती कर रहा हूँ। अनाथ आश्रम में? इसे मैं नहीं भेजूंगी। लेकिन माँ छुटकारा पाने का दूसरा रास्ता नहीं है, इसे ले जाकर मैं वहीं छोड़ाता हूँ। हाँ। मैं नहीं भेजूंगी इसे। तू चल। मैं नहीं भेजूंगी। चुप रहो ना, तू चल। एक बार कह दिया ना मैंने, छोड़ो इसे। ए, मेरे नाती को मैं नहीं भेजूंगी। ओ तुम्हारा नाती? ओहो अरे सब मेरे मुँह से निकल गया, भेद खुल गया। अरे ए रघु, ये तो मेरा नाती है, ये तू नहीं जानता? कल गंगा यहाँ पर आए थे, तू नहीं जानता क्या? ये तो उसका बेटा है रे, तू नहीं जानता क्या? ए रघु पिताजी को मालूम न होने देना। ए रघु ये तो अपनी गंगा का बेटा है, तू नहीं जानता क्या? कल रात मैं गंगा से मिला था, तू नहीं जानती क्या? आ,
ओए, तेरे मुर्गे की फुस हो गई, तेरे मुर्गे की मूंछ नीचे हो गई, बाजी के पैसे निकाल। नहीं नहीं, हरा नहीं मेरा मुर्गा, वो भड़बड़ मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर उलट गया था, समझ गई ना? गड्ढे का बच्चा मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर पलट गया था, कान का कच्चा। ओए, ये चलाकी मोमबत्ती के पास नहीं चलेगी, बकरे का बच्चा, रुपया निकाल। रुपये तुम्हें चाहिए? पंची अपने पास रखो रुपये, तुम्हारे मुर्गे को मैं जिताऊंगा। सच बोल रहे हो? अरे कमाल सामी, ये बच्चा किसका है? मर्द का बच्चा है ना? मर्द का बच्चा मर्द है, मर्द का बच्चा हूँ कोई छक्का नहीं मौसी। जबान का तो पक्का है पर उम्र का कच्चा है। सिर्फ जुबान ही पक्की नहीं, जवानी भी पक्की है। ये तगड़ा झगड़ा कैसा मेरी मर्यादा को धक्का दे रही, जरा बच के बाकी चरखी छबी लिए। ए कौन है ये पता है? अपने गाँव की प्यारी बुलबुल, मुर्गे वाली पटाखा है, मुर्गे लगाने में बीए पास है क्या समझे? ए छबीली, मेरे यार को जानती हो? मंदिर के पुजारी भगीरथ की औलाद है, नाम है रघु, मिलिट्री में बीए पास है, ये गुस्से में बंदूक से शूट कर दे तो ही। चंगी बच्चा, तू क्या बंदूक दिखाकर इस मोमबत्ती की बोलती बंद करने पे तुला है? अए अबे, तुझे बंदूक चलाकर क्या मिलेगा? मेरा ठेंगा। ठेंगा? अभी बताता हूँ। कैसे? दाव लगा। ओहो, ओए मुर्गे को इधर ला। हाँ मुर्गे को। उसको दाना पानी दिया कि नहीं? हाँ भाई, शर्त लगाने वाले शर्त लगा ले। अरे हाँ, थोड़ा पिला। दाना लगाना लगा सकते हैं? क्या है बाबा? मुर्गे को घोड़ा बना दूं। घोड़ा नहीं कैसे बनेगा? ओहो, उसे दारू पिला रही? हाँ? अरे भाई, मुर्गा जग गया तो मुझे दारू पिलाएंगे जरूर। अरे जरा कपड़े दे रहे, मुर्गा बहुत थक गया है, हम इसे थोड़ा पानी पिला रहे। हाँ, देखो रे बच्चा, दिल्ली में भी लड़ा चुकी हूँ मुर्गा, जरा बच के रहियो। दिल्ली क्या कहने, जान की बाजी लगा के मैं जी चुका हूँ। अरे कमाल बाजी लगा, 200 रुपए की लगाएगा? सराज है, थूकता क्यों है रे? जुबान ना खुलवा मौसी, ताकत आजमाओ, ठीक है कमाल? 500 रुपए लगा दूँ? 700 रुपए की बाजी लगती है? लगा दूँ। मुंसिफ कौन बनेगा? अरे कमाल है ना, कमाल सामी तो जाकर संभालो जगह। अरे अभी संभाल दो, हटो 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 बाजू। छोड़ो ना, अरे छोड़ो भाई, छोड़ो भाई, छोड़ो भाई, छोड़ो क्या? दारू की बू? हाय, इंसाफ कहीं गुम हो गया, बहुत जुल्म हो गया, दारू पिला के बाजी जीत गया, इसको मैं नहीं मानूंगी। धोखेबाज ने पर्दे के पीछे जरूर दारू पिलाई है। ओह, तुम सबका राज खुल गया, धोखे से बाजी जीतोगे? चंगी बच्चा रंगी बच्चा नहीं चलेगा। हाँ, तेरी पोल खोल के दिल्ली से बिल्ली बना देंगे, गाँव की 30 मार खाओ क्या? अब तेरी दाल नहीं गलेगी, दारू देने से मोमबत्ती क्यों बुझ गई? अपने मुर्गों को भी दारू पिला लेती। हटोए कमाल स्वामी, क्यों मुंह बंद कर रखा है? काजी बन के पाजी का काम किया है तूने? अरे क्या बक रही, इसके दारू का परमिट है, हम जो चाहे बुलाएंगे। मेरी कमाल भाई, हमें देखा मुनिया, बाजी लगाई पर नियम वगैरह बनाया नहीं, इसलिए पंछी के मुर्गे की वजह से इनकार न करो, जल्दी से हमारे 700 रुपए निकाल के दो। कैसी बेइंसाफी है, काजी और पाजी दोनों की। बाजी मार लिया पंछी ने, रुपए निकाल। मोमबत्ती बुझ गई रे, जंगी बच्ची ने 700 रुपए मार लिए। लाइदर,
आज न जाने किसका मुंह देख के उठी थी पंछी। हाँ। दोगे ना कमीशन? कमीशन मिलेगा जी, रम पिलाएंगे। ओ, ये क्या, बड़ों का ख्याल नहीं, हुक्म बिना बेशर्मी चुरक पीता है। ए, क्या बात, चुरक पीना खराब है बच्चे, पर चुरक का तंबाकू खाना खराब नहीं। चलती हूँ। मोमबत्ती तो मुझे ब्याज पे रुपए दो हमें। लेकिन आप ए, कौन है ये, मैं फिर बताऊंगा, तुझे ब्याज कितना चाहिए पहले ये बोल। मगर मैं जाने बिना किसी को उधार नहीं देता। नहीं जानता तो जान जाएगा, ब्याज कितना चाहिए ये बता। जो तुमसे उधार लेता है जीवन भर के लिए वो तुम्हारा गुलाम बन जाता है। लेकिन रुपए मेरे पास नहीं। रुपए नहीं ये मत बोलो, कागज पर लिखो हम सबका नाम, फिर अंगूठे की मोटी छाप, छोटे नहीं बड़े अंगूठे की छाप मारेंगे। शिवराज छाप लगाओ। तुम? मैं। ओ काना। युवराज, इसको कब खबर दी थी जरा हिसाब करके बताना। तो 4 महीने 15 दिन और 5 घंटे हो गए। तब तो अभी सारा ब्याज चुका दे प्लीज। सर, खून की जगह ये लोग मौजूद थे। सुनिए क्या हुआ था, सच सच कहो, अगर नहीं कहोगे तो एक्शन कैसे लेंगे बताओ। मिस्टर रघु अपना बयान दीजिए, ये सब कुछ नहीं बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब बताऊं, वो लोग अपने भाषण से बहकाते हैं या अफवाह फैलाकर सबका दिल दहलाते हैं। क्या सच कह रहा है, स्टाम्प को ठप्पे की जैसा करारा। अगर आंखों से देखा हो तभी तो कुछ बताएंगे। दरवाजे के पीछे खड़े होकर देखा नहीं था तुमने? तुम जैसे झूठ बोलने वालों को सजा पहले मिलनी चाहिए। जब तक सजा नहीं मिलेगी अपना देश आगे नहीं बढ़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, जो मैं जानता हूं उसे कहने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूं। मैं इस गांव की सब खबरें बताऊंगा आपको, आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं फर्ज पूरा करूंगा चाहे मेरी जान भी चली जाए। वेरी गुड, तुम्हारी हम कद्र करते हैं, हमें कामयाबी हासिल होगी। एक आंख वाले को गिरफ्तार। दुश्मन की अब मौत बनो तुम, तवारीख नहीं लिखता चल, सोच के चल, नए गीत बन नई रीत बन, पूज्य बापू के संग चल, मिलके चल, वो साथी आगे चल, वीर भारत के बोल जय बोल, सालिम जमाने को राम के चल। सुरेश, मैंने तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखाया था ना, अब क्या मेरे ऊपर चलाएगा? चलो बाद मिले हैं ना, अपने यार को परख रहा था। ठीक है, परख लिया ना, चाल ढाल तुम्हारी बदली नहीं। क्या बोल रहा है, लड़ने भिड़ने की पुरानी आदत तुमने नहीं छोड़ी। ये कहानियां छोड़, कॉलेज के दिनों की तरह मैं प्रेमी साला बुलाऊं तुझको? प्रेमी साला बुलाओ, कौन मना करता है तुम्हें, लेकिन मेरी दुल्हन पहले ढूंढो। तुम्हारा ब्याह कब है? शादी हो गई मेरी। क्या कहा, शादी हो गई?
कॉलेज में पढ़ते वक्त हमारा एग्रीमेंट क्या था है? शादी में डफली या शहनाई बजे, ताशे या नगारे बजे, पर एक दूसरे को बताए बिना शादी पक्की ना होगी, ये तुमने बोला था ना? अरे छोड़ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर तुम्हारा साला प्रेमी रघु रहेगा और तुम मेरे बहनोई बनोगे, तुमने ये बोला था ना? हाँ मेरे भाई मैंने बोला था, लेकिन मुझसे पहले शादी कर ली और बुलाया तक नहीं। पता नहीं जानता था ना, इसलिए मेरा गांव पास ही था, पिताजी से पूछ लिया होता। खैर छोड़ो, माता पिता को बुलावा क्यों नहीं भेजा? ओ माता पिता क्या, शादी के दिन काम जरा ज्यादा था। ये सब मेरी समझ से बाहर है कि शादी में काम ज्यादा था, ये सब मैं बाद में समझा दूंगा। बड़ी भीड़ जमा कर रखी है, आखिर क्यों? उठा, है कोई एक आंख वाला कानून का दुश्मन, किसी सूदखोर का उसने खून कर दिया, पूरा गांव डर गया है। ओहो इसलिए गांव वालों की हिम्मत बढ़ा रहे हो? अरे भाई खून से खत लिखकर लोगों को भेजते हैं ये कानून के दुश्मन। कानून के रखवाले दूसरों की खातिर अपने खून की नदी बहाते हैं, लेकिन ये लोग दूसरों का खून बहाने के लिए स्याही के बदले अपने खून का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों का स्याही के बदले अपने खून का इस्तेमाल करना बुजदिल का काम है? कीमती खून अपने मुल्क की खास दौलत है, खून की कीमत सिर्फ सिपाही जानता है। वो देश के दोस्त है या दुश्मन कौन जाने? तुम भी कैसी बात करते हो, तुम क्या खूंखार हिटलर को नहीं जानते या महात्मा गांधी के खूनी को नहीं जानते है? ले संभाल। ओहो इसे तुम ही रखो, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूं भाई। हेलो मिस्टर रघुनाथ, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। तुम्हारे बारे में इंस्पेक्टर ने मुझे बताया, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। सर पैर से कांटे को निकालना सहायता पैर की नहीं अपनी करनी है, मैंने अपनी सहायता खुद की, अपने देश के हर इंसान को इसी तरह अपना फर्ज पूरा करना होगा। मिस्टर रघु, उन गुंडों को पकड़ने के लिए मिस्टर राय को अपॉइंट किया है। मिस्टर राय बेस्ट ऑफ लक, तुम इनकी सहायता करोगे हमें इसका पूरा यकीन है। बेशक। अरे रोग बाबा मेरा ठप्पा खाना आ गया ना। रघु तुम बाबा भाग को जाएगा हल्लू जाएगा? पहले भाग को जाऊंगा और सामने बुलबुल आ गई तो हल्लू से जाऊंगा, आवाज भी नहीं होगी। चलता हूँ। ये बात नहीं है, इसके अंदर पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, केरोसिन है, तूने क्यों डाला है पेट्रोल? चलो मैं तेरे को घुमा को फिरा को क्यों पूछ रहा हूँ, जान रही क्या तुम्हें इसको? अच्छी तरह जान गया, सारी बात समझ गया। हांगकांग मलेशिया सिंगापुर जाकर लोग क्या लाते हैं, फॉरेन की चीजें, सेंट घड़ी ट्रांजिस्टर, और मैं क्या लाया हूँ, रम की बॉटल। वाह ये रम ना, फॉरेन रम की याद हर घड़ी सताले को है। अरे मंजे कब पिलाएगा? जरूर पिलाऊंगा। अब कब पिलाएगा? अभी से चल रही है, चल रही है। रम दम अंडो। तू शोर मचा रहा है, सुन लिया किसी ने तो हमको मार के मुर्ग मुसलम बना देगा ना। मुर्गा नारी ये कौन है? तेरी बहन जैसी है बाबा। हे रघु ऐसे क्यों घूर रहे है बाबा, तेरी अपनी बहन जैसी है। तुम्हारे लिए मेरी तो हुआ है भड़ी। कमाल ये तो ठीक है, एक आंख वाले काने को जानते हो क्या, कौन है वो? मन जो नशा चढ़ा था ना, बदबू आई प्यास की और एकदम नशा उतर गया। क्यों? उसका नाम सुनते ही, उसका नाम लेते ही लोग काम जाते हैं। हल्लो बोलो मियां, यहाँ हम बात कर रहे हैं और काना कैसे सुन लेगा? उसे नहीं जानते ही, उसके लोग झूल में हैं, फूल में हैं, रम में हैं, मुर्गे में हैं, घोड़े पर सवार हैं, और बोलो तो अंडे में भी हैं। उस काने की चिंता क्यों करता है, मैं जो हूँ बेफिक्र होकर बोल दे। नकली चीज नहीं असली चीज है, इसको पियो उसकी बात कल परसों तरसों करेंगे। जरूर बताना। रम की कसम नहीं भूलूंगा। इधर आ रही, हम दोनों मिलके डांस करेंगे, आओ ना। हटो भी। अरे अरे हम दोनों के पास क्या कमी है, तू मिलिट्री और मैं पोस्ट ऑफिस, अब शुरू हो जाए। खता जाते।
गुलाबी रंग की नजरे सनम दिल में बस गई रे हाँ नशीले है बलम जाने मन सनम रंगीन तस्वीर कहीं गुम हो गई रे नशीले है बलम जाने मन सनम रंगीन तस्वीर कहीं गुम हो गई रे मिली फूल वाली रे मेरा मन खो गया रे मन खो गया रे मौसम नशीला दिल से पूछ के देख ले अरे जालिम दिल में जलन है बुझा भी दे रसमलाई सनम तेरे मन में है सनम तेरी कमर बलखाई दिल से पूछ ले रसमलाई सनम तेरे मन में है सनम तेरी कमर बलखाई दिल से पूछ ले मुखड़ा मोड़ चली मेरी जान चली मेरा दिल तोड़ चली जवानी देखो मस्तानी मत भरी रंग भरे रस भरे मत वाले होठ रंग वाले रंगीले हैं मिली फूल वाली रे मेरा मन खो गया रे मन खो गया रे नाच के बिजली संग तालियां बजा रे नाच के बिजली संग तालियां बजा रे मांग ले मेरे सनम बलम से दिल को मांग ले आओ हम मिल गले हवाओं के संग चले नच तन मन रे अरे न जा रे गोरी जीना है रे मुश्किल जाने मन दिल तर से अंजाम न सोचो नशे मन हई हई नशीले कमल सा तेरा बदन है प्यार के निशानी मस्तानी मोहब्बत है ओ मिली फूल वाली रे मेरा मन खो गया रे गुलाबी रंग की नजरे सनम दिल में फंस गई रे हाँ नशीले है बलम जाने मन सनम रंगीन तस्वीर कहीं गुम हो गई रे अरे नशीले है बलम जाने मन सनम रंगीन तस्वीर कहीं गुम हो गई रे मुर्गा खाकर हजम कर गया अब मुझे देख कर तेरा रंग क्यों उड़ गया हाँ पुट्टी क्या बोल रही बाबा चुप रहो कमाल भाई से मैं देखता हूँ ये समझ रही है कि तेरा मुर्गा हमने खाया है उस दिन जब मोल तोल कर रहा था तभी मैं समझ गई कौन है जो पेड़ के पीछे छुप रही है बाहर निकल अनारकली तू ही मुर्गे को दाना देती है और तू ही मुर्गे को मार कर इन्हें खिला रही है ये मुर्गा हमारा मुर्गा नहीं है हमारी बिल्ली हमी से म्याव कर रही है चोरी से मुर्गा पकड़ के नहीं लाए क्या इतना झूठ बोलती है कमाल भाई बोलती बंद क्यों नहीं करते हमने मुर्गा नहीं खाए ये झूठ बोलकर भगा दो ना भाई अरे हम तो झूठ बोले तो छोड़ दूंगी क्या नहीं तो क्या करेगी हाँ, क्या कर लूंगी शोर मचाऊंगी मचा शोर ठीक है ना कमाल भाई क्या क्या सुनाऊं मेरा मुर्गा गायब हो गया ये सुनाऊं क्या इस पापिन ने मेरे मुर्गे को पकाकर इस प्लेट में रख दिया ये सुनाऊं क्या ये कमाल स्वामी की रखेल है ये सुनाऊं क्या 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 सुनाऊं
इन्हें क्यों बुलाया ये बताओ, असल बात बोल, फालतू बातें मत कर, ठीक है ना कमाल भाई? हो बाबा, मैं तुझे रख लेता हूँ। अरे इन सब लोग ने तो शराब पी रखी है, तुम लोग खामोश क्यों हो? ए बकबक मत कर, तेरे मुर्गे को हमने खाया है, सबूत दे, ठीक है ना कमाल भाई? प्लेट में आधा है, बाकी हमारे पेट में, कैसे साबित करेंगे बाबा? अभी बताती हूँ, तेरे पेट में चाकू भोंकती हूँ तो मुर्गा खुद ही आकर कहेगा मैं यहाँ हूँ। अरे यही तो मेरा मुर्गा है, कहाँ था ये? ये तो मेरे घर के पास दूसरे मुर्गों से लड़ रहा था, वहीं से मैं पकड़ लाया। हाय मेरा मुर्गा। कमाल है मोमबत्ती, हम सब का वक्त बर्बाद कर दिया, चलो भाई चलो चलो। हाँ जब लड़की ने शोर मचाया सब लोग दौड़कर आ गए। मोमबत्ती देख, इसको जो मिलेगा उसका आधा मुझे मिलेगा, ये मेरा और इसका वादा है। उसे वहां चूमा है, मुझे इस जगह चूमा, कहो मंजूर है? तुम्हारा नाम क्या है? कुमार। गांव? गोरेगांव। मैंने बीए पास किया है, बेकार हूं जी, इसलिए आपके गिरोह में शामिल होना चाहता हूं। शामिल हो सकते हो, लेकिन तुम्हें साहस है या नहीं तुम्हें यह साबित करने के लिए एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। इसे तुम्हें पकड़ना होगा, तुम्हारी आंखों से आंसू न निकले। तुम गिरोह में शामिल होगा कुमार। रामदास चलो चलो। हाँ भाई जल्दी जल्दी काम करो। हाँ। चलो देखो एक भी बोरा कम ना होने पाए वहाँ रख दो। हाँ। रघु कहाँ है? रघु? हाँ हाँ रघु कहाँ है? वो वहाँ है। अच्छा वो पर है क्या? हाँ काम कर रहा है। रघु जी, रघु क्या है? जरा नीचे आ जाना। आ जा रघु, मालिक बुला रहे हैं। और क्या बार है? ठीक है ठीक। आजा आजा आजा। रघु ये मशीन चलते चलते बंद हो गई है, इसे ठीक कर देना, मैं जाके खाना खा के आता हूँ। जी अच्छा। मुझे बताए बिना ही भोजन करेंगे? मैं भी आता हूँ। अरे ओ यहाँ तो कोई भी नहीं। ओए! अरे कौन? मोमबत्ती। अरे तू यहाँ? मैं तो यहाँ। थूक मत। ठीक है यहाँ और कोई नहीं। ए मोमबत्ती, किसी से मिलने आई है या जंगी की किस्मत खोलने क्या इरादे हैं? चुप होए, दाना चाहिए मुर्गियों के लिए। जरा मेरे मुंह पर धूल जम गई है, तुम अपने लहंगे से पूछ दो ना, हाथ गंदे हैं। जंगी बच्चा, धूल साफ करो तेरी, अभी नहा धोकर आई हूँ, साफ करूंगी तो गंदी हो जाऊंगी, नए कपड़े से मौके पहुँचू। अच्छा तो मेरा हाथ पकड़ उठा। ओए इका, इस बहाने पकड़ना चाहता है मुझे, तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी, उठ। ए चिल्ला नहीं, मुंह आगे कर। मैं ना बांस पर बैठ गई हैं? जरा हाथ छूने के लिए बोला तो बिचक गई, प्यार के फंदे में फंसा हुआ मर के अपनी बुलबुल को छुएगा भी नहीं। चल ना दिखा जाएंगे बच्चा, झट पर दाना दे, जल्दी मैं हूँ। ये तो बहुत पुराना है, अच्छा नहीं, अच्छे वाला ऊपर है ले लो। हाय फिर तू ही ला देना। रंगी मैना, अगर पुराना चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन बढ़िया चाहिए तो खुद ही ऊपर जाकर ले लो। ये 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 ए। अरे
जान फंस रहे हैं। थोड़ा और ऊपर जा। और कितना ऊपर? अगर बढ़िया चाहिए तो थोड़ी तकलीफ उठानी होगी। अरे क्या मुसीबत है? और ऊपर। अरे कितना ऊपर? और ऊपर। अरे राम। अरे बहुत चालाक बनती थी। मोमबत्ती। ए यहाँ कैसे घुस गई? हाँ यहाँ कैसे घुस गई? चला कहीं का तूने गिराया, उठा यहाँ से। हाय जल्दी से उठा, मरे हो। तू भी ना कैसे उठाऊँ? तूने ही तो छुरे में बना किया था, मैं तुझे कैसे उठाऊंगा? तुझे ऊपर आ जा। यहाँ कैसे आऊँ? तू ही ऊपर आ जा। आजा। मुझे भी ले डूबी। यहाँ है मुझे कुछ भी हो रही है यहाँ। यहाँ क्या? अरे वहाँ क्या कर रहा है? हाथ भी लगा। यहाँ क्या छूट गया है? मैं तो यहीं से शुरू करता हूँ। यहाँ कुछ भी है? मैं तुझे खुजाऊंगा तो मुझे कौन खुजाएगा? मैं खुजाती हूँ। यहाँ मोमबत्ती, ये काम यहाँ नहीं होगा। मेरी बात मानो, वहाँ चलते हैं। वहाँ पंप है, वहाँ पानी से पूरा बदन धो लो। चलो आओ आओ मेरे साथ आओ। अरे मुझे खुजली हो रही है, जल्दी से नहाकर बाहर आ। ओए मिल्सी का बदन है, सह लोगे? मेरा मजबूत बदन है, मैं सह लूंगा, लेकिन तेरा क्या होगा? आज जा। ओए मेरे सारे बदन में आग लगी हुई है। यहाँ तुझे पानी में नहाते हुए देखकर दिल की आग धीरे धीरे भड़क रही है। आज जा आज जा आज जा आज जा आज जा। तब इससे भी आ जा। पानी में होगा मिलन, दो दिलों का होगा। हटे हटे सेठ जी। हाँ कुल 850 बोरे थे ना, 500 तो आए सेठ, और बाकी तुम्हारा खत लाया हूँ। ऊपर आओ, टांग कमजोर है, जुबान बहुत तेज है, लेटर दे देना। अब जाओ यहाँ से। चेका आए हो, ड्राफ्ट आए हो, मंजे बख्शीश देना मत भूलो। ड्राफ्ट हो तो जरूर दूंगा, भेजा मत खाओ। दूसरी बीवी के वास्ते बख्शीश चाहिए ना? पहली बीवी तुमसे संभलती नहीं, दूसरी चाहिए। तुम्हारे लिए बोरे है, मेरे वास्ते खता है। क्या है? ड्राफ्ट है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझको ये खत किसने लिखा? अयो मुझे दूसरी बीवी ने को रुपया रखो, मैं जा रहा हूं बाबा। इस 20वीं सदी में भी ऐसा खत लिखते हैं कि लूटेंगे, खून करेंगे, उनके लिए कोई कानून नहीं है क्या? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं मेरी बात सुनो, पुलिस को खबर मत करो,
वो लोग मेरे साथ मेरे परिवार को भी खत्म कर देंगे। आप पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। मालिक इनसे मिलिए, मैंने आपकी हिफाजत के लिए ये आदमी रखे हैं जो अपने गांव में ही रहते हैं। टोपी का लड़का गणेश सख्त मेहनत करते करते इसके हाथ लोहे के हो गए हैं। मोती का बेटा रामदास दिन भर पहाड़ों पर चढ़ने उतरने से इसका बदन पत्थर का बन गया है। ये दोनों हर समय आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। बाप रे, अब मेरी जान में जान आई। एक बात मालिक, आज से आप अपने घर मत सोइए, आप अपनी जगह बदल दीजिए। कहां किस जगह और कब सोएंगे ये खबर हम चारों के सिवा और किसी को ना हो। अच्छा लोग अपने ही गिरोह के आदमी हैं। गणेश, रामदास। ये मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम दोनों यहाँ काम करते हो। आज तक इस राज का किसी को पता नहीं चला और ना ही इसकी उम्मीद है। आप हम पर भरोसा रखिए, ये राज नहीं खुलेगा। ठीक है, किस तरह दुश्मन से लड़ते हैं रघु बता चुका है ना तुम्हें। बिल्कुल। और सिखाने वाले से टक्कर लेने वाली कला मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। किसी मिल ओनर को बचाने की कसम खाई है तुम्हारे गुरु रघु ने, उसी ओनर को मारने की कसम खाई है हम लोगों ने, और ये तुम्हें पूरी करनी है। मेरी बात भूलना नहीं, पहले मैं लाइट ऑफ करूंगा और फिर मशीन ऑन करूंगा, गड़गड़ाहट की आवाज में उसका खून कर देंगे। Thank you.
मरीज बहुत सीरियस है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करता, ओके? हम राममोहन को यहाँ पर ले आए। गुड गंगा, तुम इनको लेकर गौरी पहाड़ पहुंचो, मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है। क्या राममोहन बात कर सकता है या अभी तक बेहोश है? कुछ नहीं पता है, अभी तक बेहोश है। राममोहन, राममोहन कोमा। अभी अपने काम का नहीं। आप क्या कह रहे हैं, अब ये नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। क्या करना होगा? राम मोहन के मुर्दे को चलाकर राख करना होगा। ये मुर्दा हम अपने दुश्मन को क्यों सौंपें? कल मेरी लाश भी इस हालत में मिले तो देर किए बिना चला देना। सो गो एंड फिनिश। मतलब मुर्दे को पेट्रोल डालकर जलाना पड़ेगा? ये कहने की जरूरत है? लेकिन ये तो दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है। सुरेश का फैसला बदलता नहीं। फर्ज के लिए दुश्मन और दोस्त दोनों एक होते हैं। दुश्मन को पता न चले, डेड बॉडी को फौरन चला दो। क्विक। राम मोहन, तुम्हारी कुर्बानी हमारा हौसला बढ़ाती रहेगी। सो गुड बाय मेरे दोस्त, हम लोग फर्ज की आग को ज्वाला बना देंगे। शिवराज। मैचेस।
मेरे लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। What do you mean? स्ट्राइक में मैंने बस को जलाया, तुमने गुनाह कबूल किया, इसलिए कॉलेज से तुम्हें डिसमिस भी कर दिया। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की। तो एक बात मेरी मानोगे? श्योर। तो मैच बॉक्स से सिगरेट के बदले दीप चलाना सीखो। जिंदगी को बर्बाद नहीं आबाद करना सीखो। जलती मशाल बुझ भी सकती है, कल्पना जज्बात पर हावी हो सकती है। मेरा साथी राम मोहन कहां है? उसकी तो कल ही मौत हो गई। उसे किसने भेजा था यह जानने के लिए मैंने यह बंदोबस्त किया। इनके लीडर तुम हो गए ये ना सोचा था। रघु अंदर है, उसको मुसीबत से बचाना होगा। कम ऑन, पुलिस, पुलिस आ गई। ओहो, ये सब तुम्हारा काम है ना? तुम लोगों को पुलिस वालों ने घेर लिया है, अब बच नहीं सकते। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मुझे गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल काम है। कमान, मूव। कहां? अपने आप जान जाओ। Thank you.
ले पी, तेरे लिए लाया हूं मिलिट्री रम। ये दोस्त के प्यार का उपहार है या जान लेने के लिए कोई साजिश? इस समय भी मुझे दोस्त की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तुम दोस्त नहीं, दुश्मन हो। तुम्हें सिर्फ अपना ही दुश्मन नहीं, देश का भी दुश्मन मानता हूं। ऑल राइट, अब पीले लेक्चर देना छोड़। देश का वीर सिपाही नशा नहीं दुश्मन का सर्वनाश करता है, ये ना भूलना। ए, मुझे तुमसे प्यार भरी बातें करनी है। अभी मेरा प्यार भरी बात करने का मूड नहीं। लेक्चरबाजी, अभी भी तुम भूले नहीं हैं? लेक्चरबाजी मैं नहीं भूला, धोखेबाजी तुम नहीं भूले। ठीक है, लेकिन चालबाजी हमसे क्यों? मेरा रास्ता क्यों रोकता है? तो खून करने वाले दुश्मन और देश के गद्दार को मैं फूलों की माला पहनाऊं? खूनी है। आप जो दुश्मन का खून करते हैं, जान लेते हैं, वो क्या है, उसे क्या कहते हैं बताइए? मूर्ख, देश के दुश्मनों का खून करने वाला खूनी नहीं, बहादुर है। देश के गद्दारों को खत्म करने वाला देश का प्रेमी है। हम भी तो समाज के दुश्मनों का खून करते हैं, उन्हें सजा देते हैं, मौत के घाट उतारते हैं। आप देश प्रेमी हैं, हम देश द्रोही हैं, हैं? मुल्क के नौजवानों का कर्तव्य खून करना नहीं, देश के लिए अपना खून बहाना होता है। लेकिन तुम देश का कानून तोड़कर खून से खत लिखकर धमकाने वाले अत्याचारी हो। तुम्हारी करतूत फर्ज नहीं, देश का प्रेम भी नहीं, यह है जुल्म की जंजीर। जुल्म की हम जंजीर नहीं, समाज की तकदीर है। पुराने समाज को खत्म करके नए समाज का निर्माण करेंगे। नए समाज का निर्माण करना हम दोनों का ही कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरा करेंगे। समाज को बदलने के लिए उसे खत्म करना जरूरी नहीं। और याद रखो, जुल्म की जंजीर को फांसी का फंदा कभी मत बनाओ दोस्त। अगर जुल्म की जंजीर तोड़ने वाले सच्चे हैं तो देश की गरीबी दूर करने का साथ दे देंगे, लेकिन जोक बनकर नहीं रखूंगा। खून पीने वाले इस देश के खूंखार पैसे वालों को मिटाकर, यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन खून पीने की आदत खुद नहीं छोड़ते। तुम धन लूटकर अमीरों को तो गरीब बनाते हो, लेकिन इस तरह लूट मार करके धन छीनकर निर्धनों को देना बंदर का काम है। निर्धन को सही तरीके से धनवान बनाना भले इंसान का काम है। बंदर का काम है या बंदर की औलाद इंसान का, आई डोंट केयर। देश के लाचार और बेजुबान गरीबों की गरीबी को खत्म करना हम जैसे लोगों का लक्ष्य है, समझे? उन बेसहारों को बचाने के लिए हमने मुल्क की बागडोर जिन्हें दी है, वो फर्ज पूरा करेंगे। फर्ज पूरा करेंगे, फर्ज पूरा करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये कोई जानता है? सबके सब मतलब ही हो गए हैं। इंसाफ की जड़ सड़ गई है, हमारी पुकार अब दम तोड़ रही है। बगावत बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए बगावत ही अब हमारा मकसद है। इडियट, बगावत से मकसद पूरा नहीं होगा। गोली चलाने से देश के लोगों की गरीबी दूर नहीं होगी, बिजली गिरने से देश भस्म हो जाएगा। उस बिजली से मशाल जलेगी, पुराने समाज की जगह नया समाज बनेगा। हमारी पिस्तौल से ही देश के हर सवाल का जवाब मिलेगा। बंदूक की गोलियों से क्या तुम्हें गरीबी से आजादी मिल जाएगी? बंदूक की मदद से खुशहाली तलाश करना अच्छा नहीं। मैं अब भी कहता हूं कि भटकना छोड़ दो। ये बहुत पुरानी बात है, इतिहास के पन्नों पर हम जो लिखेंगे उसे ही तुम्हें हमेशा पढ़ना होगा। जरूर पढ़ूंगा, लेकिन तुम्हें जेल भिजवा कर। ऑल राइट, अब तुमसे बहस करना अपना वक्त पर बात करना है। मुझसे टकराने वालों का अंजाम क्या हो सकता है ये भूल गए? खूनी हो, खून ही तो करोगे, और क्या करोगे? तुम्हें समझाने से और क्या मिलेगा? ठीक है, अभी तक तुमने खून करने वाले मर्द को देखा है, खूनी औरत को नहीं देखा। दिखाने के बाद फैसला सुनाऊंगा। जैसे पहचाना, तुम्हारी बहन, मेरी बीवी। देश को दुश्मनों से बचाने वाले की बहन देश को लूटने वाले की पत्नी है। मेरे बार बार पूछने पर भी कुछ बताए बिना चली आई, शाबाश। हां भाई, तुम्हारे खिलाफ बगावत करने वाले लोगों को तो सजा भोगनी पड़ती है, पर माता पिता और बहन की मर्जी के खिलाफ उनसे कुछ पूछे बिना पूरे परिवार की मर्यादा को खाक में मिलाकर जो तुम्हारे साथ भाग आई ऐसी गुनाहगार को कोई सजा देने का नियम है? इसकी वजह तुम हो, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी क्या?
आखिर किस लिए सजा मिलेगी मुझे? कॉलेज में मेरे जिगरी दोस्त बनकर गंगा को बहकाया और फिर उससे शादी कर ली, इसलिए। ये बेकार की बातें हैं बेवकूफ। तुम्हारी बहन गंगा को देखकर भी क्या अब भी अपना इरादा बदलने से तुम हिचकिचा रहे हो? अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हमारे लीडर हो जाओगे। क्या इरादा है? लीडर? मैं ये बात नहीं मानूंगा। अब तुम्हारा क्या फैसला होगा मैं जानता हूं। आई एम रेडी, शूट मी। तुमको शूट सुरेश नहीं, तुम्हारी बहन गंगा करेगी। तुम्हारी वैल्यू तुमसे ज्यादा मुझे मालूम है, इसलिए इस समय नहीं, मैं कल मिलूंगा। कल सुनेंगे तुम्हारा फैसला। एक पुरानी कहावत है, मैंने भाई को राखी बांधती है मगर जान नहीं लेती। उसे झूठ साबित कर दो, इतिहास को नया मोड़ दो। कम ऑन। मोमबत्ती, क्या है रे? रघु है ना, गोली से घायल होकर घर में पड़ा है।
ये बातें? हाँ जंगी राजा, ओए रे जंगी राजा, ओए ओए ओ जंगी राजा, किसने दिल का अंडा फोड़ दिया रे, मेरा नसीबा फूट गया रे, ओए 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 गुस्से में छोड़ गया रे, मेरा दिल तोड़ गया रे जंगी राजा, रात सारे सपने में खेले रे और दिन में तारे गिने रे, ओए रात का सपना तोड़ चले मुझे अकेला छोड़ चले, हाय ये क्या, अरे ऐसे चिल्ला क्यों रही है? चिल्ला कह रही हूँ गोली ने जंगी राजा की बोली बंद कर दी रे, हाय मोमबत्ती बुझ गई रे, इसमें कमी ऊपर आ जाओ, ठीक है कैसे थे अब क्या हालत बना ली, अरे ये तो चिपकती जा रही है, तेरे पिताजी आ जाएंगे भगा दे इसको, ये क्या तेरी माँ भगा रही है चुपचाप लेटा देख रही है तू, होए होए भगत सिंह की तरह तेरी बाह में भी गोली लगी है, हाय राजा हाय, होए 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 ये लोरी गा रही है या मातम कर रही है, इसके लिए क्या ये मर गया है, बाहर निकाले छोड़ेल को, चलती हूँ रघु, तुम्हारा इसका क्या संबंध है? मुर्गी 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 है? एक सौ एक। अरे कब आए भैया? जब तुमने पानी का पहला घड़ा डाला था तभी 101 घड़े पानी डाल दिया इन पर, भगवान को जुकाम हो गया तो। लेकिन मैथिली क्या मांगना चाहती है भगवान से? कुमारियां भगवान की आखिर पूजा क्यों करती है तुम नहीं जानते? अच्छी तरह मैथिली, लड़कियां ऐसे ही पूजा पाठ नहीं करती, मन की मुराद मांगती हैं। तुम्हारी मुराद क्या है ये नहीं कहोगी बहन? पैर की उंगली से मिट्टी कुरेदना पैर की उंगली में बिछुआ पहनने की ख्वाहिश जाहिर करता है, समझ गया मैथिली? अगर किसी को पसंद कर लिया हो तो तुम मुझे अभी बता दो। कैसे कहूँ, क्या मुराद पूरी होगी, क्या कहूँ, मुझे डर लग रहा है। देख अपने भाई को, समाज के गलत सिद्धांत को बदलने वाला जमा मर्द ये तुम्हारा भाई है, सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है ये, गांधी जी का भारतवासियों के लिए अमर संदेश था, उनका संदेश मेरा कर्तव्य है, बताओ मुझे। तुम मान जाओगे लेकिन पिताजी? पिताजी से बात कर लेंगे, ये बताओ कौन है? मेरे दिल के अंदर जो है वो तो तुम जान गए हो, क्या खुद ही तुम उसका पता नहीं लगा सकते? ओके, ये पता लगाना क्या मुश्किल है? मेरा खून करने वाला था, तेरे पास क्या है, बंदूक है, पिस्तौल है, क्या है? कदम से तुम्हारा खून करने नहीं आया तो फिर क्यों आया था? मैंने अब उन लोगों को छोड़ दिया है, तुम पे क्षमा मांगकर तुम्हारा साथ देकर उनको पकड़ना चाहता हूँ। फिर उन्हें छोड़ा क्यों? वो लोग अपने दोस्त के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने को कहते हैं, बहन को डरा कर धमका कर भाई को गोली से उड़ाने का हुक्म देते हैं, वो खुददार अब गद्दार हो गए हैं, खून करना दूसरों को लूटना अपना फर्ज मानते हैं। ये बात थी तो उनका साथ किस लिए दिया? मैंने बीए पास किया है लेकिन मुझको नौकरी नहीं मिलती, तंग आकर उनके पास चला गया। क्या काम जानते हो? मैंने बीए पास किया है। बीए पास करना तो दिमाग का काम था, तुम हाथ से क्या कर सकते हो? जो कहोगे करूंगा, नहीं जानता तो सीख लूंगा। तुम नहीं जानते तो सीख लोगे? तुम्हारे पिता ने क्या पास किया? अंगूठा छाप। अंगूठा छाप ने तुम्हें बीए पास करवा दिया और वो आज तक तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं। मैं भी क्या पिताजी की तरह गाय भैंस का पालन पोषण करूं? गाय भैंस पालना बुरी बात नहीं, तुम्हारे पिता दो चार गाय भैंस पालते हैं, तुम पढ़े लिखे हो 40-50 पालो, ऑफिस में काम करना बड़ी चीज नहीं, नौकरी करने का ख्याल छोड़कर तुम खुद अपना काम करो, तुम मेहनत का इंसान बनकर हाथों से गरीबी को दूर करो। जुल्म की जंजीर तोड़ दूंगा। जुल्म की जंजीर टूटने से पहले कहीं फांसी का फंदा ना बन जाए। लेकिन वो फंदा उनके गले में होगा। गुड।
मैथिली की शादी का बंदोबस्त कर लिया ये सुनकर बड़ी खुशी हुई बेटे, लेकिन दूल्हे के बारे में कुछ बताया ही नहीं, वो गंगा चली गई और बेकार इधर उधर धक्के खाती एक गंवार एक मुर्गी वाली तुम्हारे घाव धोने आई। और मुझे यहाँ पर लाए ये भूल गए दब। बोल रहे इस घर की बेटी से कौन ब्याह करेगा? ये राह जानकर भी कोई मैथिली का ब्याह अपने लड़के से कर दे तो आप मान जाएंगे? अब भी कोई राजी हो गया तो तुम्हारे पांव पर गिरकर क्षमा मांग लूंगा। धनी नहीं हूं लेकिन फिर भी अभी तक दान दक्षिणा में जो कुछ मिला है उसके नाम लिख दूंगा। बेटा किसका है, उसका पिता कौन है, बड़े घर का है या छोटे घर का? बड़े या छोटे घर का नहीं है, पर उसका चेहरा सुंदर है। लेकिन है कौन? कुमार, ग्वाले का बेटा। क्या कहा, ग्वाले का बेटा? तो ये क्या बुरी बात है, दूध वाले भी तो मनुष्य हैं, हमारे जैसे ही इंसान हैं, उनको छोटा ना कहिए। क्या मुझे उपदेश दे रहा है? उपदेश नहीं दे रहा पिताजी, किसी भी समय मेरी मौत हो सकती है, उससे पहले। उससे पहले क्या तू मेरी चिता में आग लगाना चाहता है? ओहो, ये कैसे अशुभ बात है, मुझसे बोल रहे हैं? मैं अपमान की ज्वाला में जलने से चिता की आग में जलना ठीक समझता हूँ। सुनिए सुनिए, घर छोड़कर मत जाइए, सुनिए मत जाइए, आपके हाथ छोड़ती हूँ, मत जाइए। इन आंखों से धर्म नहीं देख सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर भगवान की शरण जाता हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप न जाइए पिताजी, हम जाएंगे, ये आपका घर है, यही रहिए आप। मैथिली की शादी जिस वक्त होगी उस वक्त हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत होगी। धर्म की मर्यादा निभाना आपका कर्तव्य है और मैथिली के ग्वाले के बेटे के साथ शादी करवाना मेरा कर्तव्य। चलता हूँ पिताजी, चलता हूँ माँ। आओ मैथिली। मोमबत्ती, क्या बात है, यही हुआ? ये अपने बगल में रामू के घर रघुनाथ आया हुआ है, किस लिए? शादी की बात पक्की करनी है मैथिली के लिए, इसलिए वो आया है। अगले हफ्ते अच्छा शगुन है। दूल्हा किसे चुना है मोमबत्ती? वही पिताजी, बीए पास करके बेकार घूमता रहता है, ग्वाले का बेटा कुमार है पिताजी। ऊंचे घराने वाला पुजारी ग्वाले के बेटे कुमार से भी आएगा? अब ऊंच नीच का भेद कहाँ रहा, आजकल सब बराबर हैं। रघु तो ऊंच नीच को मानता ही नहीं पिताजी। तेरे भी हाथ पीले करने की सोच रहा हूँ मोमबत्ती। अच्छा पिताजी। ए मोमबत्ती, क्या मुर्गी फिर गायब हो गई? मुर्गी और करती क्या सकती है। मोमबत्ती आज यहाँ अच्छी घड़ी पे आई है, देख शादी के लिए क्या क्या लाया हूँ। बैठ, देख ये अपने कुमार के लिए बनारसी धोती, बढ़िया है। मैथिली के लिए रेशमी साड़ी, कैसी है? बढ़िया बढ़िया है। और ये देख हसली, हार, चूड़ियां, बढ़िया 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 है। ये भी देख शादी के कार्ड, बढ़िया 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 है। ये तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है, अब तेरी मुर्गी अंडे नहीं देती? मोमबत्ती मोमबत्ती, दूर ना कहीं जाओ सनम, हसीन है ये भी का मौसम, उसा छोड़ो झूम के आओ, आ जाने मन दिल को लगाओ, दूर ना कहीं जाओ सनम, हसीन है ये भी का मौसम, उसा छोड़ो झूम के आओ, आ जाने मन दिल को लगाओ। दर्द बन गया मन में है क्या, प्रेमी भूल गया रे, जान मुरी क्यों लेके बालन मुझे भूल गया रे, दर्द बन गया मन में है क्या, प्रेमी भूल गया रे।
मन भाए बालम, फिर भी प्यासी हो मन भाए बालम, फिर भी प्यासी हो ये दिल है तेरा। कसम तोरी सच कहता हूँ, कसम तोरी सच कहता हूँ, तेरी झूठी है कसम, झूठा है रे बालम ये मौसम, चोरी चोरी मन को तोड़ चले सनम है तेरी झूठी कसमी। वो दिल भी यही, जीवन भी यही, यौवन का प्यार यही, सुखी है यही परवाने दो, परवाने है यही। दो दिल भी यही, जीवन भी यही, यौवन का प्यार यही, सुखी है यही परवाने दो, परवाने है यही, परवाने है यही। परवाने मरते शमा जला के रे, परवाने मरते शमा जला के रे, मेरी मोहब्बत से परवाने भी जलते हैं, परवाने भी जलते हैं। दूर ना कहीं जाओ सनम, हसीन है ये भीगा मौसम। नदिया में जब कोई तूफान आ जाए फिर तो लहरें पूछे प्यार की आग से पानी क्यों जले, पानी क्यों जले। जवानी लहर नहीं खामोश मोहब्बत है, प्यार में जोत जले पानी के दिल में फूल खिले, पानी के दिल में फूल खिले। दूर ना कहीं जाओ सनम, हसीन है ये भीगा मौसम। उसा छोड़ो झुमके आओ आ जाने मन, दिल तो लगा लगा। ये क्या है पता है? शादी का निमंत्रण, तुम्हारी बहन की यानी मेरी साली की शादी हो रही है। मालूम है गंगा मेरी साली का दूल्हा कौन है जानती हो तुम? वाले का लड़का कुमार। हम लोगों के गिरोह का दुश्मन। एक बात है, मुझे बिल्कुल ही भूल गए, शादी की खबर तक नहीं दी मेरे साले ने मुझे। ये बेइंसाफी है गंगा, इट्स टू बैड। हमको खबर नहीं दी कोई बात नहीं, पर साला होने के नाते अगर मुझसे कहते तो शादी मैं ही पक्की कर देता। चाहे जो हो, शादी का कीमती तोहफा अपनी साली के मन के मुताबिक दूंगा। वो क्या बोलती है गंगा? बोलने के लिए हिम्मत कहां से लाऊं? शादी की खबर पाकर जब खुशी नहीं हुई आपको तो गंगा से पूछनी ही बेकार है। दोस्तों, हमारे गिरोह के कुछ लोग अपना फर्ज भूल गए, उनको आजादी से जीवन बिताने का रोग लग गया है, उसके जिम्मेदार हम हैं, हम ही इस रोग को खत्म करेंगे। रोग किसको है ये तो कहिए और उस रोगी को दवा देकर खत्म कर देंगे, और आज उस रोग की जड़ उखाड़ देंगे हम। इस रोग की दवा बाद में मालूम करेंगे, इससे पहले एक और बड़े रोग को मिटाना होगा। वाला कुमार ही वो रोग है, गोरेगांव पहुंचकर उसे खत्म करना होगा। गोरेगांव पहुंचकर उसे खत्म कर दो, क्या ख्याल है? नो, कुछ रोग ऐसे हैं जिनका हम इलाज नहीं कर सकते, समझे? मैंने गोरेगांव जाने वाले डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है। गोरेगांव में हमारा डॉक्टर कौन है? वो अपना डॉक्टर है,
वो तो अंधा है। वो अंधा है। तो वो अंधा नहीं है? गोरे गांव के लोगों को अंधा बनाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं, और इनकी बेटी भी इनको अंधा समझती है। हमें नाज है इन पर, ये हमारे लिए अंधे बने रहे जिंदगी भर, तभी तो हम इनको अपना मानते। शादी के दिन शुभ मुहूर्त पर ही तुम वहां पहुंचोगे, शादी के लायक उसको एक तोहफा दोगे, आई एम सॉरी, रोग को दवा दोगे। ये दवा शादी की शहनाई बजने से पहले दूं या शादी की शहनाई बजने के बाद दूं? रोग को शादी की शहनाई बजने के बाद दवा देना, तभी तो रोगी का नामो निशान मिटेगा। ये क्या, उसकी छड़ी को दिखाकर आप उसे दवा देने को बोल रहे हैं? अभी दिखाता हूं। मंगलसूत्र है, आशीर्वाद देना। मंगलसूत्र आए, आशीर्वाद मैं जरूर दूंगा। कुमार को शूट करने के लिए भेजा है। भैया मुहूर्त के बाद मंगलसूत्र पहनकर शादी कर देना जरूरी है। पकड़ लो इसे। तो गोली मारूंगा। हो सकता है वो खूनी उठा ले गए होंगे इकबाल को, खूनियों से उसे बचा लो। ये
मेरी माँ को शूट कर दिया, उस काले ने मेरी माँ को शूट कर दिया, उस काले ने उसे मार दिया। कौन है तेरी माँ? तूने शूट किया था ना, वही थी। पुलिस से डरकर बेटे को छोड़कर वो किस लिए भागकर चली गई थी, अब मुझे पता चल गया। रघु के घर अपने बेटे इकबाल को छोड़ आई थी, जिसने अपने शौहर से दिल का राज छुपाए रखा, उसका अंत होना ही था। गांव में हमारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपने चार आदमियों को पुलिस ने शूट कर दिया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने पकड़ लिया, गोली से शूट कर दिया, जान से मार दिया, गिरफ्तार कर लिया, यही ना? गिरफ्तार होने दो, मरने दो। हमारा फर्ज क्या है? हमारी जान खतरे में आ जाए तब भी, हमारी मौत हो जाए तब भी, हमारे बदन का खून फर्ज को पुकारेगा। इस बात को याद रखना, हमारे दर से जिनका मुंह बंद रहता था अब उनका मुंह खुल गया। इन सब का कारण तुम्हारा दोस्त रघु है, उसका शरीर चीरकर खून पी जाऊंगा, उसके बाद ही मेरे मन की प्यास बुझेगी। हम उन बदमाशों को खत्म कर देंगे चाहे जान भी चली जाए। उनके हथियार छिन चुके हैं और उनके सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन लीडर अभी तक आजाद है, उसे छोड़ देना मुसीबत है। गांव का जलसा इस साल भी मनाएंगे और खूब धूमधाम से मनाएंगे, इसका बंदोबस्त कर चुका हूं और सबको आने का बुलावा भी भेज दिया गया है। गांव में जलसा न करने के कारण देवता कुपित है, गांव पर जैसे बिजली टूट पड़ी है। इस जलसे को मनाने की वजह कुछ और है, इसकी योजना सोच समझकर बनाई गई है। दुश्मनों को हथियारों के लिए रुपए चाहिए, इसलिए वो गांव पर हमला जरूर करेंगे, तब हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जलसे से हमें क्या फायदा होगा कहिए? पूजा के लिए सब लोग लाखों रुपए के गहने भगवान की मूर्ति को पहनाएंगे, हम उन्हें उड़ा लाएंगे। दोस्तों तुम सब ध्यान से सुनो, शिवराज गांव में जगह सालाना जलसा होने वाला है, इस पर्वत के मंदिर की मूर्ति को हीरे मोती से अच्छी तरह सजाकर गांव के मंडप में ले जाएंगे वो लोग, और फिर उसको लेकर गली गली घूमते हुए मंदिर पहुंचेंगे। सुना है पुलिस का बंदोबस्त भी पक्का है। होने दो, पुलिस को चकमा देकर हम उन्हें कहीं और भिजवा देंगे, यही होगा हमारा पहला कदम। फिर हम अपनी योजना से रघु पर एक साथ अटैक कर देंगे, लोगों में भगदड़ मच जाएगी, डर से लोग थर थर कांप उठेंगे। फ्रेंड्स एक और जरूरी बात सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया या मैं मर गया तो हमारे गिरोह के होने वाले वारिस को छोड़ जाऊंगा मैं, मेरा लाडला इकबाल, उसे भी मेरी तरह तुम गिरोह का लीडर मानोगे, ये वादा करो। किसको खत लिखूं? किसको खत लिखोगे? उस भगवान को लिखने जा रहे हो क्या? ठहरो, उतार देना। अच्छी बात।
अरे कालिया, क्या है जी? मैंने जो कहा तुम्हें याद है ना? भूलना नहीं, ठीक है? अरे इकबाल, यहाँ पर कैसे पहुंचा? उस ताने ने बंद कर रखा था, चकमा देकर भाग आया। आओ। भगवान की मूर्ति नहीं ले जाने दूंगा, मैं ले जाने दूंगा, मैं अपना प्राण दे दूंगा, लेकिन मूर्ति नहीं ले जाने दूंगा। Thank you.
तुम लोग जिनको हम संभाल लेंगे, जान को छल कर भी तुमको बचाएंगे। जाओ चलो। Thank you.